प्रदेश का स्टोरी टाइम। मैं रौनक हूँ। और मैं चंचल। और हम कहानियों की रंगीन दुनिया में रहते हैं। चलो हमारे साथ। हेलो चिल्ड्रन, आज हम एंट और ग्रास हॉपर की स्टोरी सुनेंगे। एक बड़ी सी फील्ड में एक एंट अपने एंट हिल में रहती थी। उसी फील्ड में एक ग्रास हॉपर अपने फेवरेट ट्री में रहता था। एंट स्वभाव से बहुत हार्ड वर्किंग थी। वह दूर दूर खेतों से हैवी वीट ग्रेन्स को अपने हेड पर लेकर एंट हिल में स्टोर करती थी, जबकि ग्रास हॉपर कोई भी काम नहीं करता। वह सारा दिन अपनी धुन में रहता था। वह खेलता कूदता और गिटार लेके गाना बजाता था। आइए सुनते हैं चींटी और टिड्डे की बातें। मैं पूरा दिन बिना रुके मेहनत करती हूँ और ये लेजी ग्रास हॉपर पूरा दिन शेड में रेस्ट करता है, गिटार बजाता है, खेलता कूदता और एंजॉय करता है। I will sing all the day under the sunshine, under the moon. I will play all the day under the sunshine, under the moon. Mr. Grasshopper, तुम विंटर के लिए फूड क्यों नहीं कलेक्ट करते हो? तुम तो मूर्ख हो मूर्ख, जो इतने अच्छे मौसम में ग्रेन इकट्ठा कर रही हो। तुम क्या सारे दिन काम करती हो? तुम भी आराम से बैठो, नाचो, गाओ और फन करो। मैं मूर्ख नहीं हूँ मिस्टर ग्रासहॉपर, मैं काम के समय काम करती हूँ और खेलने के समय खेलती हूँ। यह कहकर एंट अपना काम करने लगी। तभी अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह गिर गई और रोने लगी। हा हा हा, तुम तो गिर गए छोटी सी चींटी। मिस्टर ग्रासहॉपर, प्लीज हेल्प मी, हैवी ग्रेन्स को उठाने के लिए हेल्प कीजिए प्लीज। ला 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 ला। मिस्टर ग्रासहॉपर प्लीज। I will sing all the day under the sunshine, under the moon. I will play all the day under the sunshine, under the moon. उसने मेहनत से ग्रेन को उठाया और एंट हिल की ओर जाने लगी। धीरे धीरे समर सीजन बीता और रेनी सीजन आ गया। एंट अभी भी काम कर रही थी और ग्रास हॉपर अभी भी केयरलेस होकर गाना गा रहा था। फिडल डी फिडल डू There will be sunshine always. Fiddle-dee-fiddle-doo. And there will be time to play always.
Fiddle-dee, fiddle-doo, fiddle-dee, fiddle-doo. There will be sunshine always. Fiddle-dee, fiddle-doo, fiddle-dee, fiddle-doo. And there will be time to play always. धीरे धीरे रेनी सीजन भी बीत गया और विंटर सीजन आ गया। अब सन बहुत कम दिखता था। ट्रीज की सारी लीव्स झड़ गई थीं। ग्रास हॉपर ठंड से कांपने लगा और खुद को ड्राई लीव्स से कवर कर लिया। ग्रास हॉपर खुद को बहुत वीक फील कर रहा था। दुबले पतले ग्रास हॉपर को एंट की याद आई और वह सीधा एंट हिल पहुंच गया, जहां एंट अपनी फैमिली के साथ मेहनत से कलेक्ट किया हुआ फूड एंजॉय कर रही थी। मिस एंट, ओ मिस्टर ग्रास हॉपर, तुम कितने वीक हो गए हो। मिस एंट, प्लीज मुझे कुछ फूड दे दो। सारे ट्रीज की लीव झड़ गई है, कुछ भी नहीं है खाने को। मैं बहुत हंग्री हूँ। प्लीज मिस एंट, मैं आपको सॉन्ग गा के सुनाऊंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे कोई सॉन्ग नहीं सुनना है। तुम तो मुझे मूर्ख समझते थे ना? अब बताओ, मूर्ख कौन है, मैं या तुम? तुमने विंटर के लिए फूड भी कलेक्ट नहीं किया और लेजी बने रहे। अब भुगतो, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगी, जैसे तुमने नहीं की थी। सॉरी मिस एंड, मुझे मेरी मिस्टेक समझ में आ गई है। वर्क कम्स फर्स्ट, देन आई हैव टाइम टू प्ले। अब मैं काम के समय काम करूंगा और खेल के समय ही खेलूंगा। ये अच्छी बात है। ओह, यू आर शिवरिंग विद कोल्ड, अंदर आ जाओ और मेरे साथ डिनर करो। मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई है, अब लेजी नहीं होगे। थैंक यू मिस एन, थैंक यू फॉर द टेस्टी फूड। वेलकम डियर। तो कैसी लगी आपको लेबोरियस एंट और केयरलेस ग्रास हॉपर की स्टोरी? बहुत अच्छी लगी। तो चलिए मेरे साथ बोलिए, वर्क व्हाइल यू वर्क एंड प्ले व्हाइल यू प्ले मेक्स अ मैन हैप्पी ऑल द डे।